नमस्कार दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की न्यू सीरीज़ में आपका वापस से स्वागत है थीम नंबर फोर का डिस्कशन चल रहा है इसका सेकेंड वीडियो है इन दिस वीडियो फ्रेंड्स टुडे वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इंडिया इन्विसाज एज अ स्ट्रैटेजी फॉर सोशल चेंज तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे वो ये देखेंगे कि किस तरीके से जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद सोशल चेंज लाने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऐसा क्रिएट किया जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टेंस था सोसाइटी का जिसमें सोशल चेंज लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और सोशल जस्टिस इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की लीडरशिप में एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये आई कि अगर हमें कंट्री में सोशल चेंज लाना है अगर हमें सोसाइटी को प्रोग्रेस करवाना है और अगर हमें सोशल चेंज के लिए लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी As we thought after independence would play an important role in not just bringing about a social change but also in helping people to realize that their potential can be better realized by adoption of science and technology in the day-to-day -day lives. those science and technology bharat or liye. Aur bharatiyon ke liye कोई एलियन चीज़ नहीं थी एंशेंट समय से हमारे यहाँ पर साइंस को लेके मैथमेटिक्स को लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके जो इनोवेशंस होते रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कोई एलियन कल्चर नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग इस बात को अच्छे से अप्रिशिएट करते थे कि टेक्नोलॉजी में अगर बदलाव चाहिए तो वो टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा तो केवल और केवल एक ही तरीके से आएगा और वो आएगा जब हम टेक्नोलॉजी को लोगों की ज़िंदगी से जोड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी में बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि अगर लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होगा और अगर लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी लाइफ में बदलाव आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी से उनकी लाइफ इंप्रूव होगी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो इट वाज अ टू वे चेंज वेयर टेक्नोलॉजी बीइंग इन्फ्यूज विद मैन विल बिकम मोर इनोवेटिव एंड देयर बाय क्रिएट न्यू इनोवेशंस एंड व्हेन मैन एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी मैनज लाइफ विल बिकम मोर स्मूदर एंड हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया गया आज़ादी के बाद वो ये था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखा अपने पोर्टफोलियो को बना के रखा द फैक्ट कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक ऐसा दर्जा दिया सोसाइटी में इंडिपेंडेंस के बाद कि उस पोर्टफोलियो को किसी कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री लेवल पे खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल हम लोग चाहते थे प्रायोरिटाइजेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी और पोलिटिकल लेवल पर हाइएस्ट लेवल पर प्रायोरिटी मिलने से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता था दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि इंडिया ने दो चीज़ें बोली कि हमने ये बोला कि अगर इंडिया को डेवलप होना है तो डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगी और नंबर टू हमने बोला कि अगर डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगी तो इंडिया हर एक पहलू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सप्लोर करेगी वी सेड टू थिंग्स फ्रेंड्स द फर्स्ट थिंग वी सेड वाज दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर सोसाइटी This is also one of the reasons why science and technology was kept by the Prime Minister as a portfolio for himself. And he did not prefer to delegate it to a cabinet minister, thereby giving it the importance that it wanted to be attached for. But the second important thing is that when India said that science and technology will become an important driver of our developmental strategy, let's not forget one important thing, friends. दैट इंडिया सेट दैट इट वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्लोरिंग ऑल डाइमेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिवेलपमेंटल यूज तो दोस्तों जब हमने ये बात करी कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर एक पहलू को एक्सप्लोर करेंगे जिससे कि हमारे सोसाइटी का विकास हो और सोशल चेंज आए तो यहाँ इंडिया ने क्लैरिफाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये करी कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग करेंगे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जो सोसाइटी में विकास कार्य हो सकते हैं उस विकास कार्य का भी प्रयोग करेंगे भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देते हुए 1948 में अटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया अटॉमिक एनर्जी कमीशन को एक मैंडेट दिया गया कि अटोमिक एनर्जी को Peaceful use, civilian use, developmental use. After creating the Atomic Energy Commission in 1948, we decided that even nuclear energy will play an important role as part of the larger science and technology to ensure that. वी ऑल्सो एक्सप्लोर द न्यूक्लियर डायमेंशन फॉर आर डिवेलपमेंट एंड द अटोमिक एनर्जी कमीशन वॉज गिवन द मैंडेट वेरी क्लियरली टू इन्श्योर दैट अटोमिक एनर्जी इज़ यूटिलाइज फॉर सिविलियन पीसफुल डिवेलपमेंट यूज दोस्तों इंडिया पोस्ट कोलोनियल देशों में से एकमात्र ऐसा देश था जिसने ये बोला कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के चैलेंज को मीट करने में मदद करेगी क्योंकि हमने उस समय ये बात बोली कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और क्योंकि ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये हमें हमारे एक तरीके से सिर्फ डेवलपमेंट में मदद नहीं करेगी बल्कि दोस्तों आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारत ये बात बोलता है कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है ऊर्जा के लिए एनर्जी डेवलपमेंट के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो वो साथ में ये बात भी बोल रहा है कि उसका कारण ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है दोस्तों भारत ये बात जानता था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत एनर्जी प्रोड्यूस करना महंगा प्रोसेस होगा और भारत जैसा देश जो अभी उस समय कई चैलेंजेस को जूझ रहा था उसके लिए ये चीज़ इंश्योर करना बड़ा मुश्किल हो सकता था लेकिन हम फाइनेंशियल बर्डन को ले परेशान नहीं थे बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी के प्रयोग से हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे थे वर्ल्ड को कि हम एक ऐसे देश हैं जो क्लीन एनर्जी के बारे में सोचते हैं यह हमारा सबसे पहला इन्वायरमेंट मूवमेंट को ग्लोबल लेवल पे लेके कंट्रीब्यूशन था आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस नजरिए से देखिए सो व्हेन वी बिकेम Firm with the fact that we are going to use the nuclear technology for the purpose of generation of energy. We knew the fact that the nuclear energy generation is a very costly process. But the fact that it was a costly process did not deter India to develop nuclear energy. Because, friends, when we wanted to develop nuclear energy, it was not the cost that we were looking into at our mind at that time. But when we actually told the world that India wants to use nuclear energy for the purpose of its developmental strategy, we said that nuclear energy is to be used by India because it's a clean source of energy. And that is how India, at the time of independence, championed the idea that using a clean source of energy means that India wants to develop as a nation, but also develop as a nation which focuses on sustainable development. So, please understand this. This is a very crucial dimension because when you write an answer in the civil services exam, you have to argue very coherently. You have to ensure that your answer reflects this important understanding that India stood for at that time. That we were not only interested in rapid development at the cost of deteriorating the environment, but we actually cared for the environment. वी एक्चुअली वैल्यूड द इन्वायरमेंट एंड दैट्स वाई द न्यूक्लियर एनर्जी दो कॉस्टली एट दैट टाइम फॉर अस मैटर्ड बिकॉज एट लीस्ट इन इन्श्योर्ड सस्टेनेबल डेवेलपमेंट थ्रू क्लीन सोर्सेज ऑफ फ्यूल तो दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी कारण से मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो के तहत कवर करने की कोशिश करी क्योंकि इंडिया का पहला आर्टिकुलेशन कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत हम पूरे संसार के सामने ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने देश की प्रगति और विकास चाहते हैं लेकिन प्रगति और विकास सस्टेनेबल हो हम वो चाहते हैं और सस्टेनेबल वो तभी होगा जब हम क्लीन सोर्सेस का प्रयोग करेंगे कल को आप अगर यूपीएससी के सिविल सेवा के परीक्षा में जब आप मुख्य परीक्षा में अपना पर्यावरण को टॉपिक में आंसर लिखते हैं तो उस पर्यावरण के टॉपिक के आंसर के दौरान इस चीज़ की चर्चा खासम तौर से कीजिएगा दोस्तों क्योंकि उस समय आपको ये बताना है अपने एग्जामिनर को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब पूरा वर्ल्ड बात भी नहीं कर रहा था उस समय इंडिया इसको एक ऑफिशियल पॉलिसी बना के डिक्लेयर कर चुका था यू हैव टू टेल दिस फ्रेंड्स टू द एग्जामिनर इन द एग्जामिनेशन दैट द वर्ल्ड वाज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट When the word sustainable development never existed in the dictionary of any Western country, it is through the use of nuclear technology to play a role in development that India had conceptualized not only its stand on sustainable development, but we made it a way of life of our developmental strategy. So, friends, our existential challenge was development. Ka, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर अपन ने क्रिएट किया उस आर्किटेक्चर में सस्टेनेबिलिटी एक इनहेरेंट फीचर थी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस कारण से किया गया लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक सिविलियन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के लिए करते हैं तो उसी टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कल को आप एक न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं क्योंकि कोई डिवाइडिंग लाइन एग्जिस्ट नहीं करती जो डिसाइड करे कि यहाँ तक सिर्फ सिविलियन का प्रयोग है और इसके आगे केवल मिलिट्री का प्रयोग है यदि आपके पास सिविलियन कैपेसिटी है तो जाहिर सी बात है कि आप मिलिट्री कैपेबिलिटी रखते हैं अगर आपके पास सिविलियन कैपेसिटी है मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं तो आप मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं इसीलिए उस दौरान उस समय जब नेहरू ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली कि भाई भारत अपने विकास कार्य के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहता है तो उस समय कई मेम्बरों ने नेहरू से ये बात पूछी कि अगर भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग विकास कार्य में करना चाहता है तो क्या वो परमाणु बम बनाएगा तो नेहरू ने कहा कि ये परमाणु बम और विकास कार्य के बीच की क्या दीवार है मैं प्रधानमंत्री होने के नाते साइंटिस्ट नहीं हूं जो समझता हूं। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर था लेकिन आंसर में गहराई थी और गहराई ये थी कि वो ये कन्वे करना चाहते थे कि मैं सिविलियन कैपेसिटी दे रहा हूँ कल को भारत के कोई आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों को वेपन की कैपेसिटी डेवलप करनी हो तो मैं फाउंडेशन क्रिएट करके जा रहा हूँ आगे वो धंभाल लेंगे फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ईयर इज दैट वेन यू हैव सिविलियन कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी Then it's very easy for you to jump from the civilian capacity to military capability. Because you know, today there is no dividing line between where do you stop between the civilian and the military capacities? Because if you have the civilian capacity, you can go to the military capability level without difficulty. Because there's no dividing line. And that is why, you know, when Nehru advocated the fact that he wants to use nuclear technology in India for the purpose of civilian use. Some members in the parliament at that time questioned Nehru and asked, Does that mean that India will also go for a nuclear weapon in the future? And Nehru very diplomatically answered that, You know, I am the prime minister, not a scientist who knows the difference between where does the wall lie between the civilian and military capability. The reason why we say that it's a diplomatic answer is because Nehru, through this answer, conveyed a very important message. That I am creating the foundation for civilian use right now, and in the future, if there is any prime minister in India who feels, based upon the situation of the country, that we ought to go for development of a nuclear weapon, then that option remains open. So, while he neither rejected that option, while he never accepted that option openly in the parliament, but the fact of the matter is that he created the foundation on the basis of which today India possesses a nuclear weapon. बट एनीवे दैट इज़ अ सेपरेट मैटर ऑफ डिबेट इन द इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट बट डू कीप इन माइंड दिस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई टोल्ड यू तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के तहत आपको ये चीज़ समझ आ गई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोगों ने क्यों कंसेप्चुलाइज करी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोग के तहत अगर आप समझे इस वीडियो के तहत तो मैंने आपको बताया कि इंडिया ने वर्ल्ड की सबसे पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी और इंडिया ने अपना पहला इन्वामेंटलिज़म का अप्रोच पूरे वर्ल्ड के सामने रखा इससे हमारे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाया गया और वर्ल्ड के सामने हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तहत आए जो कि एक डेवलपमेंट का एस्पिरेशन भी रखना चाहते थे पर वो एस्पिरेशन इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे नहीं होता क्योंकि भारत का और भारत के लोगों का जो एक तरीके से लगाव इन्वायरमेंट से है वो कोई अभी का नहीं ऐतिहासिक था और वो इंडिया की स्ट्रैटेजी से केवल प्रूव हुआ तो इसके आगे नेक्स्ट चैलेंज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं थैंक यू